अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ऑटो स्टॉप। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने YBR के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवाई हैं और मुझे कितनी कॉस्टिंग पड़ी है। और इस बाइक का जो रिव्यू है वो भी मैंने अपलोड कर दिया था, अगर आपने देखना है तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक शो हो रहा होगा, वहाँ से रिव्यू देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी इस बाइक में मैंने लगवाई है वो ये H6 की लाइट है। ये लाइट अमूमन तो लोग गाड़ियों में लगवाते हैं तो इसका पेयर मिलता है, लेकिन मैंने ये जिनसे ली थी उन्हीं से इंस्टॉल करवाई है, तो तकरीबन ये मुझे उन्होंने 1200 रुपये में इंस्टॉल करके दिया है। H6 की ये लाइट आती है जो कि गाड़ियों के लिए यूज़ होती है, मैंने अपने YBR के अंदर ये H6 की लाइट लगवाई है। अगली जो चीज़ है वो इस बाइक की सीट है। सीट के अगर ऊपर बात करूँ तो मैंने बहुत से लोगों से सुना था कि YBR की सीट इतनी अच्छी नहीं है, ये जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ये कवर लगवाया है जो कि बहुत सॉफ्ट कवर है और इसके ऊपर अगर आप राइड करें तो आपको बहुत स्ट्रेस फील नहीं होता, आप इजीली इस बाइक के ऊपर राइड कर सकते हैं। और इससे आपकी ये जो है कि जो सीट है नीचे वाली वो भी महफूज रहती है, बेहतरीन कवर है। इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको बताऊं तो इसकी जो ये जो कवर है इसकी प्राइस 700 रुपये है। मैंने ये मेन मरी रोड से सारा काम करवाया था, तो अगर आपने भी काम करवाना है तो वहाँ पर आपको राहिल आटोज़ के नाम से शॉप मिलेगी, आप वहाँ से सारा काम करा सकते हैं। इसके बाद जो सलेंसर के ऊपर क्रोम की ये पट्टी लगी होती है इसको मैंने ब्लैक मैट कलर में रैप करवाया है, बड़ी खूबसूरत लगती है क्योंकि जो क्रोम होता है ओवरऑल, जो जैसे कि मैं आपको दिखाते चलूँ मेरा बाइक फुल ब्लैक है तो वो क्रोम कुछ खूबसूरत नहीं लगता, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक मैट में रैपिंग कराई है। इसकी जो कॉस्टिंग मुझे पड़ी है ये 300 रुपया उन्होंने मुझे 300 रुपये में लगा के दी है। ये दो पीस होते हैं, इसमें दोनों पीस इन्होंने 300 रुपये में लगा के दिए हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये आप देखेंगे रिम के साइड पे मैंने ये मैचिंग में जो बाइक के ग्राफिक्स हैं इनके साथ मैचिंग में मैंने ये रैप कराए हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे आपको यामा लिखा हुआ भी मिल जाता है और फ्रंट टायर पे जो मैंने रैपिंग कराई है उसके अंदर यहाँ पे आपको YBR भी लिखा मिलता है, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये क्योंकि जो नए बाइक के साथ नए बाइक के जो YBR के ग्राफिक्स आ रहे हैं ये उसके साथ मैचिंग में ये आपको स्टिकर मिल रहा है मार्केट से, अमूमन हर मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं से भी लगवा सकते हैं। तो इसकी जो मुझे कॉस्टिंग पड़ी है 200 रुपये में उन्होंने दोनों टायरों का लगा के दिया है। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो इस बाइक का क्रैश गार्ड है। क्रैश गार्ड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ख़ास तौर पे YBR पे मेरे मुताबिक, क्योंकि जब बाइक गिरता है तो ये जो पर होते हैं YBR के ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो इसलिए ये जो क्रैश गार्ड है ये इस बाइक को सेफ़ रखता है। आप अगर आपका बाइक गिरे भी तो इससे आपके बाइक को नुकसान नहीं होता। फ्रंट साइड से जो लुक है वो कुछ इस तरह की आती है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरा बाइक जब गिरा था तो यहाँ से देखें क्रैश गार्ड के ऊपर निशान आया, लेकिन बाइक का जो पर है इस पर कोई वगैरह निशान नहीं आया। गिरा तो नहीं था लेकिन हल्का सा साइड से रगड़ा गया था, लेकिन बाइक टोटली सेफ है, क्रैश गार्ड के ऊपर निशान आया। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन थी मेरे बाइक में, इससे ज़्यादा मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाई। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैंने बाइक के अंदर ये सिक्योरिटी सिस्टम लगवाया था, इसके मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी, इसका यह रोल ये है कि इससे आपको इससे आप बाइक स्टार्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि देखें ये बाइक स्टार्ट हो गया और इससे आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं और बाइक लॉक हो गया। अगर आप इस तरह बाइक को करेंगे तो बाइक बोलने लग जाएगा, यहाँ से आप ऑफ कर। तो कुछ ये मॉडिफिकेशन थी सारी जो कि मैंने आपको दिखाई हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। शुक्रिया।